अपने दर्शकों को दिखा देते हैं जो रामेश्वरम से सीधे हमें मिल रही है। प्रधानमंत्री मोदी आज वहां पर पहुंचे हुए हैं। दो दिन का ये दौरा कई मायने में खास है। तमिलनाडु का ये दौरा, रामेश्वरम मंदिर में प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं। रामनाथ स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना उन्होंने की है, साथ ही साथ रामायण पाठ भी वहां पर हुआ जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने हिस्सा लिया है। तो तमिलनाडु के दौरे पर यहाँ दो मंदिरों में खास तौर पर पूजा अर्चना प्रधानमंत्री ने की है। तिरुचिल्लापल्ली के श्री रंगम मंदिर में पहुंचे थे प्रधानमंत्री। इसके अलावा एक अदल नाम के हाथी को गुड़ खिलाया, आशीर्वाद लिया। रामेश्वरम में रोड शो भी हुआ। अभी जो तस्वीरें मिल रही हैं वो बहुत खास है, जहां मंदिर में वो दर्शन कर रहे हैं। और खास बात इसलिए भी है, श्री रंगनाथ स्वामी और रामेश्वर मंदिर भगवान राम के जीवन से जुड़े हुए ही हैं। और 22 जनवरी यानी कि कल का दिन जब प्राण प्रतिष्ठा समारोह होगा, प्रधानमंत्री मोदी उन मंदिरों में दर्शन कर रहे हैं जिनका रामायण में भी जिक्र किया गया है। और प्रधानमंत्री को आप जब भी किसी ऐसी जगह पर देखते हैं तो अद्भुत वो नजर आते हैं। और कहीं ना कहीं हर एक जगह जहां पर भी वो पहुंचते एक संदेश देने की कोशिश करते हैं। और इस वक्त प्रधानमंत्री खुद ये मानते हैं कि पूरा देश राममय हो रहा है, इसीलिए बहुत लंबे समय से, मतलब प्राण प्रतिष्ठा से करीब 10-15 दिन पहले से ही लगातार वो राम धुन को शेयर कर रहे हैं और राम की भक्ति में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। और लगभग इसी तरीके की तस्वीरें पूरे देश भर से देखने को मिल रही हैं, जहां राम भक्तों की भक्ति इस वक्त चरम पर है। अयोध्या तो मैं खुद हूं और यहां पर मैं लोगों की भक्ति देख पा रही हूं, वहीं प्रधानमंत्री मोदी जब यहां पर आएंगे तो ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी खुद भाव विभोर हैं, वहां पर रंगनाथ स्वामी के दर्शन कर रहे हैं और कल रामलला के दर्शन खुद प्रधानमंत्री मोदी यहां पर करेंगे। वो तस्वीरें भी खैर हम आपको दिखाएंगे।